आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान है, सिर्फ 3 चीज़ों से बन के तैयार हुआ और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए फिर आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है और ये मैंने 1/4 कप घी ले लिया है। घी को हम पैन में डालेंगे। आप इसे घी में बनाएं तो ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, और अगर आपके पास घी नहीं है तो आप आधा घी और आधा रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप मैदा डाल देंगे। मैदे को मैंने अच्छे से छान के ले लिया है। अब हम इसे मीडियम लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। मैदे को बहुत अच्छे से भूनना है। इसे लगभग आपको 10 से 12 मिनट के लिए रोस्ट करना है। आप इसे मीडियम लो फ्लेम पे ही रोस्ट करें। धीमी आंच पे आप इसे अच्छे से रोस्ट करें और लगातार चलाते रहें, वरना ये नीचे से पकड़ लेगा। ऐसे जो बीच बीच में इसके लम्स हैं उसे हटाते रहें आप, और जैसे जैसे ये रोस्ट होता जाएगा इसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा गीला होगा और इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। और यहाँ देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छे से गीला हो गया, और मुझे इसे रोस्ट करते हुए 12 मिनट हो चुके हैं। मैदा हमारा बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है। यहाँ देख सकते हैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और यहाँ इसे हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस मिठाई को बनाना बहुत ही आसान है, 15 मिनट का समय लगता है, बहुत ही झटपट बन के तैयार होता है और बहुत ही कम चीज़ों में तैयार होता है। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे, और मैंने इसे ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें, यहाँ मैंने चीनी को पाउडर बना लिया था, इसे मैंने एक मिक्सर जार में डाल के पीस लिया था, और ये देख सकते हैं अब हम इसमें शुगर पाउडर डाल देंगे। यहाँ मैं 1/4 कप चीनी डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये देख सकते हैं मिक्सचर काफ़ी ड्राई लग रहा है, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। और अगर आपका मिक्सर परफेक्ट है तो ठीक है, वरना अगर ये बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच दूध डाल दें। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, और ये देख सकते हैं हमारा जो मिक्सचर है काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बर्तन ले लिया है, उसमें हम अच्छे से इसके सारे मिक्सचर को डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। इसे अच्छे से दबा दबा कर सेट कर लें। ये मिठाई बनाने में भी बहुत ही आसान है और सस्ती भी है, मुंह में डालते ही घुल जाने वाली मिठाई बनके तैयार होगी। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए, और 15 मिनट हो चुके हैं, मिठाई हमारी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे पलट लेंगे और अब हम इसे कट कर लेंगे। आप अपने मनपसंद के आकार में इसे कट कर सकते हैं। ये मुंह में डालते ही घुल जाने वाली बहुत ही मज़ेदार हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। बनाने में भी बहुत आसान है, झटपट बनके तैयार हो जाता है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनके तैयार होता है। इसमें आपको ना ही ज़्यादा मेहनत और ना ही ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ती है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।